أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بار المسموكات داح المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات مجھے افسوس ہے کہ رات سے پھر مجھے انجائنا کی تکلیف شروع ہو چکی اور میرے دل میں شدید درد ہے یہ سوچ کر کہ بہرحال اس فریضے کو ادا کرنا ہے میں نے اپنے معالج سے اجازت لی کہ کچھ دیر کے لیے میں یہاں حاضر ہو جاؤں غالب ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا ہی ہے اور خصوصاً کل سے کام کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے کل مسلمان یوم بدر منا رہے ہیں اس یوم بدر کا ہم سے بھی کچھ تعلق ہے کچھ ہم کو بھی گفتگو کرنی ہوگی پھر 18, 19, 20 کو میرے لیے بڑا ہی حیران کن مسئلہ میری دوسری تقریر کا ہے میں حسب عادت یہاں مجلس میں رہوں گا تقریر ہوگی 8 سے 9 تک اس کے بعد 10:30 سے 11:30 تک میں عزا خانہ زہرا میں 3 دن تقریریں کروں گا یہ شہادت کی مجلسیں ہیں اور پھر اس کے بعد 21 کی صبح کو
अहम तरीन मजलिस है वो तुराब मस्जिद में, तौफीकात इलाही का तालिब हूँ, ऐन वक्त पर अदालत ने मुझे मजबूर कर रखा है। आज दिन भर में इस काबिल नहीं था कि मैं टेलीफोन भी रिसीव कर सकता, मगर अभी शाम को कुछ देर पहले मुसलसल टेलीफोन बाहर से आने लगे कि टेलीविज़न पर एक मुज़ाकरा हो रहा है और उस मुज़ाकरे में डॉक्टर फजलुर रहमान ने हज़्बे तवक्को अदल इलाही पर गुफ्तगू की है और ये साबित करने की कोशिश की कि अदल सिर्फ उन्हीं लोगों का अकीदा है जो मुसलमानों में तनासुख के कायल हैं, और अदल से बेहतर तो फजल है, अदल से बेहतर तो फजल है। और जाहिर है कि जहन्नम में कोई हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा, कुछ दिनों के लिए भेजेंगे फिर हटा लेंगे। तो बहरहाल ये शबे हफ्तों में रमज़ान अव्वल तो नहीं मालूम इस मुज़ाकरे की क्या ज़रूरत थी, और अगर थी भी तो डॉक्टर फजलुर रहमान और फिर वहाँ कुछ और भी लोग थे कि जिनकी ज़िम्मेदारियाँ थीं कि वो गुफ्तगू करते और अपने अकायद को वाज़ह करते। ज़ाहिर है जो हमारे ख्याल की नुमाइंदगी कर रहे थे उनका तो फरीज़ा था कि वो बतलाते कि ये फ़िक्र सही नहीं है। मेरे सिलसिले कलाम में आज इस फ़िक्र के लिए कोई मौका नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक मुफस्सल और मकसूद बहस जाएगी, इसलिए कि ये एक बुनियादी अकीदा है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो सिर्फ तौहीद व नबुव्वत व क़यामत को माने वो न तौहीद के इतलाक़ को मानते हैं न रिसालत के इतलाक़ को मानते हैं। अगर तौहीद का अप्लीकेशन समझ में आए तो अदल समझ में आए, अगर रिसालत का अप्लीकेशन समझ में आए तो इमामत समझ में आए। तो तौहीद नबुव्वत क़यामत पे रुकने वाले अदल से आशना नहीं हैं, और हमारी हद तक मुमकिन है शायद 21वीं रमज़ान की सुबह की मजलिस में इस सिलसिले में कुछ अर्ज़ करूँ, मगर बक़ायद हयात बशर्त तौफीकात इलाही और बशर्त सेहत। अब के मैंने ये तय किया है कि एक आखिरी मरतबा, जाहिर है इसके बाद शायद फिर मुझे इसकी इजाज़त ही ना मिले, अगर इस साल मुहर्रम में मौका मिले तो नश्तर पार्क में ये उन्वान होना चाहिए, तौहीद व शिर्क। मालूम हो कि मुसलमान मुवाहिद कहां तक रह गया है, मुसलमान मुवाहिद कहां तक रह गया है। पहले इसी बहस को उठाना चाहिए बजाय इसके कि दरमियान से अदल पे बहस करें, तौहीद से बहस को शुरू करना चाहिए। तो तौहीद और शिर्क इसलिए लाजिम है कि दुनिया तौहीद को क्या समझती है, तौहीद की तारीफ क्या है, शिर्क को क्या समझती है, शिर्क की क्या तारीफ है, शिर्क के हुदूद क्या है। मैं ख्याल है कि 10 मजलिसें बड़ी आसानी से इस पर हो सकती हैं, और यूं तो सारी ज़िंदगी तौहीद का तस्करा हो तो जब भी काफ़ी नहीं है ज़िंदगी, लेकिन कुछ देर के लिए एक ख़ास तारीख़ गम में अदल पे गुफ्तगू करना। पर कोई ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी से काम लें,
الذي يستعجل بالانتقام من يقاف الفوت, انتقام میں جلدی وہ کرتا ہے جس کو وقت کے نکل جانے کا ڈر ہو. اس لیے ظاہر ہے کہ فضل الرحمان صاحب اگر نبی رہیں تو ان کے عقیدے والے تو جیتے رہیں گے. ان کو سمجھانا ہے کہ یہ غلطی ہے. تو میں معذرت خواہ ہوں ان تمام عزیزوں سے جنہوں نے مسلسل مجھے ٹیلی فون کیے ابھی باوجود میری علالت کے کہ آپ اس پر گفتگو کریں. ظاہر ہے کہ اب وقت نہیں ہے اور سلسلہ کلام میرا نہ آج اجازت دیتا ہے نہ کل اجازت دیتا ہے نہ یہ شہادت کی راتیں اجازت دیتی ہیں کہ اپنے آپ کو مقید کیا جائے تفسیر سے ہٹ کے کسی خاص موضوع پر. مگر یہ یاد رکھیے کہ موضوع ہے دلچسپ, موضوع ہے دلچسپ کہ خدا کو عدل نہیں چاہیے, فضل چاہیے. اب وہ ان حضرات سے کیسے پوچھا جائے کہ قرآن مجید میں فضل کہاں کہاں استعمال ہوا ہے, فضل کی تعریف قرآن نے کیا کی ہے, فضل کے حدود کیا ہیں. آپ اس فضل میں کس کس کو چھپانا چاہتے ہیں؟ عدل سے بچا کر فضل میں چھپانا کس کو چاہتے ہیں؟ بہرحال میری تقریر کے اہم منازل سے میں متصل ہو گیا. ارشاد ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سوا اس کے کسی کی پرستش نہ کی جائے اور ماں باپ سے نیکی کی جائے, ماں باپ سے نیکی کی جائے. وبالوالدین احسانا, ماں باپ سے نیکی کی جائے. اس سلسلے میں چند باتیں آج قابل ذکر ہیں. علماء عامہ نے کوئی 17 حدیثوں میں ایک عجیب حدیث کو نقل کیا ہے. اس میں جابر ابن عبداللہ ہیں, انصاری ہیں, ابن عباس ہیں, مجاہد ہیں, اور نافع سے یہ حدیث آئی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا حق علی علی هذه الامه کا حق والد علی ولده. علی کا حق اس امت پر ایسا ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر ہے. اب اگر امت علی سے منہ موڑے تو باپ بیٹے کو آگ بھی کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا یہ ایک حدیث ہے, اس کو کئی طریقوں سے عامہ و خاصہ کے کئی طریقوں سے آیا کہ علی کا حق اس امت پر یہ ہے. ایک تو یہ حدیث میں چاہتا تھا کہ آپ تک پہنچے. دوسری اہم ترین حدیث یہ ہے کہ علالت کے عالم میں سرکار دو عالم نے علی کو اپنے نزدیک بلایا اور کہا علی جلدی جاؤ مدینہ کی مسجد میں اور مقبر پر جاؤ جہاں سے اذان دی جاتی ہے, وہاں سے یہ آواز دو, یہ آواز دو کہ جو اپنے باپ کا حق ادا نہ کرے اس پہ لعنت, جو اپنے مولا سے بھاگے مالک سے بھاگے اس پہ لعنت, اور جو مزدور کو مزدوری نہ دے اس پہ لعنت. امیر المومنین گئے اور جا کے آپ نے یہ جملوں کا اعلان کیا. اس واسطے کہ ہمیشہ یاد رکھیے وہ سورہ برات میں ذکر اذان ہو یا کوئی ایسے اعلان حق کا موقع, وہاں ضرورت اسی کی ہوتی ہے جو بدر و حنین کا فاتح ہو. تو امیر المومنین گئے جا کے اعلان کیا. آپ کے حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی بڑا بلیغ کلام تھا مگر کلام غیر مفسر تھا, سین پہ زبر, مفسر
कलाम गैर मुफसर था, यानी ये कलाम समझ में नहीं आ सका कि इसका मतलब क्या है। अमीर उम्मीदीन चुप हो गए इस बात पर कि अमीर उम्मीदीन की तकलीफ़ जो थी वो यही थी कि ऐलान किया जाए। इफ़ाम व तफ़हीम की अली को तकलीफ़ नहीं दी गई थी, अली वापस आए। रसूल ने पूछा, ऐलान किया, कहा ऐलान किया, कहा किसी ने पूछा, कहाँ पूछा, और ये पूछा कि कलाम गैर मुफसर था, कहा फिर वापस जाओ, जाओ और जाके कहो कि वो जो मैंने कहा था कि जो अपने बाप का हक न माने, ऐलान करो कि मैं बाप हूँ, यानी तुम ऐलान करो कि तुम बाप, और वो जो कहा कि जो अपने मालिक से भागे, तुम ऐलान करो मैं मौला हूँ, और ये जो ऐलान किया कि जो मजदूर को मजदूरी न दे, कहो कि मैं अजर मांग रहा हूँ, अजर मांग रहा हूँ। तो आपने देखा कि तौहीद के जिक्र के बाद ही वालिदैन का तस्करा करके मासूमीन ने उस तंजील की जो तावील की है, तो उसमें आले मोहम्मद का तस्करा किया है और ये कहा है कि हक अलीन अलाहल उम्मा का हक वालदिन अला वलद, वालिद का जो हक है वलद पर। और जाहिर है कि इसमें अकीदे की गर्म बाजारी न ढूंढिए और ये न पूछिए कि क्या इसमें किसी और पर कोई ज़र्ब है, कोई चोट है, बिल्कुल नहीं है। बात यह कि इस्लाम की तासीस में, इस्लाम की बका में, इस्लाम की बुनियाद में, इस्लाम को आगे बढ़ाने में जो खिदमतें अली की हैं, उन खिदमतों तक कोई नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। इसी मकाम पे एक दिन इंतहाई अफसोस के आलम में इरशाद फरमाते हैं, हैहात अफसोस है, कद युकरनो ली मन लम यसाब कदमी, मेरे नाम के साथ उसका नाम लिया जा रहा है जो रहे हक में मेरे साथ एक कदम ना चल सका, मेरे नाम के साथ उसका नाम लिया जा रहा है, उसको करीना बनाया जा रहा है जो रहे हक में मेरे साथ एक गाम ना चल सका। तो ये मंजिल फिक्र इतनी बुलंद है कि जहाँ मुकाबिल तवाजुन निस्बत ये कोई चीज़ ज़ेर बहस नहीं है, तन्हा अली को उस बुलंदी पे पाइएगा कि जहाँ ऐसा मालूम होता है कि मौसिस है, बानी है, बिना हक रखने वाला है, इसलिए उसका एहसान है इस उम्मत पर और कयामत तक एहसान रहेगा। तो इस एहसान का सिला, इस एहसान का सिला यह है कि जैसा मेरी तकरीरों में हो चुका कि जब फिरौन की मदद करने के लिए जादूगर बुलवाए गए तो जादूगरों ने आके पूछा कि हमारे लिए कोई अजर है अगर हम आपको कामयाब कर दें, का इज़न इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम मेरे मुकर्रब हो जाओगे, तुम मेरे मुकर्रब हो जाओगे, तुमको क़ुर्ब मिलेगा, दरबार में नज़दीक की जगह मिलेगी, इसलिए कि तुमने मेरी मुदाफ़ियत की। तो इस तरह से पातशाह वक्त की जो मुदाफ़ियत करे उसको मुकर्रबीन में गिना जाता है, और ज़ाते हक के पैगाम की अगर कोई हिफाजत करे तो क्या ऐसे बंदे को मुकर्रब नहीं कहा जाएगा, क्या ऐसे बंदे को क़ुर्ब कमाल नहीं मिलेगा। इसी वास्ते ये आयत जो मैं अभी तिलावत कर रहा था कि माँ बाप का हक मानो, माँ बाप का एहसान मानो, अगर वो बूढ़े हो जाएं तो उनको न झिड़को, उनको उफ न करो, और
अगर उफ से भी कोई कम लफ्ज होता तो शायद वो भी काबिल जिक्र हो जाता। ये मासूम की का इरशाद है कि इतनी एहतियात की जाते वाजिब ने, तो ये न कहो और उसके बाद ही कहा वाते जल कुरबा हक और कराबत दारों को उनका हक दो। आपने देखा वाते जल कुरबा हक कहू, जल कुरबा का तस्करा किस मंजिल पर आया, तौहीद जिक्र वालिदैन और फिर उसके बाद जल कुरबा। ये बनी इसराइल की वो आयत है कि जिसके मुतालिक मुफस्सरीन ने लिखा कि बनी इसराइल सूरह मक्की है मगर आठ आयतें मदनी हैं और उन आठ आयतों में से ये एक आयत है वाते जल कुरबा हक़हू के क़राबत दारों को उनका हक दिया जाए। तो मुफस्सरीन लिखते हैं जब ये आयत आई तो रसूल बेचैन हो गए और एक मतलब कहा जरा फातिमा को तो बुलाओ। फातिमा आई तो कहा देखो आयत आ गई है, अब मुझे हुक्म मिल गया, ये माल फय है बेटी, ये फिदक तुम्हारा है। ये बनी इसराइल की इस आयत के बाद का, ये किसी का हक नहीं है और किसी ने हमला करके इस फिदक को नहीं लिया है, लश्कर वालों की कोशिशों का नतीजा नहीं है बल्कि यहूदियों ने लाके नजर दिया था, और इस वास्ते ये फय का माल है, रसूल का माल है, मेरी मिल्कियत है और मैं तुमको दे रहा हूँ और हुक्म की बिना पे दे रहा हूँ वाते जल कुरबा हक हूँ। और इसी आयत पर मुसलसल तारीख के धारे पर 10 मरतबा बहस हुई है, यानी जब किसी बादशाह ने छीना है तो ये बहस हुई वाते जल कुरबा हक हूँ, जब किसी हाकिम ने वापस किया है तो फिर इस आयत पर बहस हुई वाते जल कुरबा हक हूँ, यहाँ तक के मामून रशीद ने अली इब्न मूसा रज़ा इब्न रसूलिल्लाह फिदक आपका है, कहा हाँ फिदक हमारा है, कहा किस तरह से, कहा वाते जल कुरबा हक हूँ खराबदारों को उनका हक दे दिया जाए, का फरजंदे रसूल ये आयत मदनी है, कहाँ मदनी आयत है मगर सूरह मक्की में रख दी गई है रसूल के हुक्म से, इस वास्ते कि ये हिकमत से भरी हुई आयत है, हिकमतों के दरमियान इसका जाना जरूरी था इसलिए पैगंबर ने उसको उस मकाम पर रख दिया। तो मामून ने फिर उसके बाद पराबत की तनकीह चाही, यानी उसका तज्जिया चाहा कि नज़दीकी कैसी, तो इमाम ने उस नज़दीक को समझाया कि ये नज़दीकी इस्तफा है, यानी ये बुजुर्गी है, ये पाकी है, ये तहारत है, बंदों में से जिसको मुस्तफा करता है उसको मुकर्रब करता है। मीम काफ रे बे السابقون السابقون اولئك المقربون سبقت करने वाले वही मुकर्रब बंदे हैं, यही वो मुकर्रब बंदे हैं। इन किताब अल अबरार लफी इल्लीजीन मा अदरा का मा इल्लीजून किताबुल मरहूम यशहदहुल मुकर्रबून, किताब अबरार इल्लीयीन में है, मालूम है तुमको इल्लीयीन क्या है, ये मुकर्रब बंदे हैं जो उन किताबों को नेक बंदों की किताबों को देखते हैं, मुतालिया करते हैं, मुशाहिदा करते हैं। ये मकाम क़ुर्ब इलाही है, ये मकाम क़ुर्ब इलाही है कि कौन कितना नज़दीक होता है। जब यहाँ तक आप पहुँच गए तो खुदावंद अली आला ने वजाहत की कि एक बैत है कि जिस बैत के रहने वाले हमारे मुकर्रब बंदे हैं, वो बैत बैत काबा हो तो उसमें पैदा होने वाला हमारा मुकर्रब बंदा है, वो बैत अगर बैत नबुव्वत हो और उसकी सलाहियत रखने वाले अगर हों तो वो हमारे मुकर्रब बंदे हैं। चुनाचे फी बुयूतिन अज़न अल्लाह अंतुर्फा व युस्कर फी हस्मुहु युसब्बिहु लहु फीहा बिलगुदुव वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामस्सलात व ईताइज़्ज़कात यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूबु वल अब्सार
वो अल्लाह के घर जिनमें मर्दान खुदा जिक्र खुदा करते हैं और जिनको कोई फायदा या कोई दुनियावी तिजारत जिक्र खुदा से हटा नहीं सकती, इनको अल्लाह ने बुलंदी दी है तो उस बैत को भी बुलंदी दी है, अहलुल बैत को भी बुलंदी दी है, घर वालों को भी बुलंदी दी है। तो ये मकाम क़ुर्ब कमाल है, यह मकाम क़ुर्ब कमाल। अब पैगंबर पे लाजिम था कि इस क़ुर्ब को बतलाएं कि कितना क़ुर्ब, कितनी नज़दीकी। क़ुर्बा के माना ये ना समझो कि मेरे क़राबतदार, क़ुर्बा के माना ये समझो कि पैगाम में हक की हिफाजत करने वाला अपनी हिफाजत के मसाई की वजह से उस क़ुर्बत तामा का मुस्तहक होता है और वो इस मजदरियत की मंजिल पर फाइज होकर क़ुर्बा पर फाइज होता है और उसको क़ुर्बा कहते हैं। देखो ये क़ुर्ब कमाल है। सुबह को सबके दरवाजे मस्जिद में बंद हो जाएंगे, सबके दरवाजे बंद और सबके दरवाजे बेख्तियार बंद कर दिए गए। रसूल की ऐसी मस्जिद थी कि लोग ये चाहते थे कि हर एक अपने अपने घर का दरवाज़ा रसूल की मस्जिद में खुला रखे ताकि अज़ान हो भी और अपने अपने घरों से निकल के आगे। आपने इरशाद फरमाया कि आज से हुक्म यह मिला है कि इसकी इजाज़त नहीं है, किसी का दरवाज़ा मस्जिद में खुला नहीं रहेगा सिवा अली के, सिवा अली के। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने शिकवा किया, मैं आपका चचा हूँ, क्या मेरा दरवाज़ा भी नहीं खुला रहेगा? तो आपने शायद फरमाया, चचा ये मैंने अपने हुक्म से न खोला है न बंद किया है, ये अल्लाह का हुक्म है कि ये खुला रखो, इसको खुला रखा, अल्लाह का हुक्म है इनको बंद कर दो, बंद कर दिया। तो ये मकाम तकर्रुब कमाल है कि कौन इस काबिल है जिसका घर बैत इलाही से करीब होगा। घर बैत इलाही से करीब हो जाए तो अब आपने देखा, अब क़ुर्बा मुअय्यन हो गए कि यह दरवाजा मस्जिद में खुला, इसमें से अली आए, फातिमा आए, हसन हुसैन आए, क़ुर्बा। इस वास्ते इत्तेफाकन की बात हो गई कि वो नवासे भी हैं, वो बेटी भी है, वो दामाद भी है। यह रिश्ता जो है वह इत्तेफाकन है, वरना रिश्ते पर मदार तकर्रुब नहीं है। रिश्ते पर मदार तकर्रुब नहीं है इसलिए कि नबी का एक बेटा तूफान की नजर हो चुका है, एक बेटा नबी का तूफान की नजर हो चुका है। जाओ आप जाओ, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मुझे तूफान नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो डूबा और आवाज आई, लैसा मिन अहलिक, बेटा तेरा है अहल नहीं है। तो आपने देखा बुनियाद ईमान पर, बुनियाद खुदा परस्ती पर, बुनियाद तकर्रुब इलाही पर क़ुर्बा की मंजिल सरफराज होती है और जब क़ुर्बा की मंजिल सरफराज होती है तो उनका घर मस्जिद में खुला रहता है घर का दरवाज़ा। और यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन ने एक मर्तबा कमाल जलाल में पूछा, ऐन अल्लज़ीन ज़अमू अन्नहुमुर रासिखून फिल इल्म दूनना, कहाँ है वो लोग जो अपने आप को इल्म में रासिख समझते हैं हमारे अलावा। ऐन अल्लज़ीन ज़अमू अन्नहुमुर रासिखून फिल इल्म दूनना कज़बन व बग़यन अलैना, ये झूठ है, यह हमसे बगावत का नतीजा है कि अपने आप को कोई और रासिखून फिल इल्म कहे। ऐन अल्लज़ीन ज़अमू अन्नहुम रासिखून फिल इल्म दूनना,
كذبًا وبغيًا علينا ان قد اعطانا الله وحرمهم یہ ہماری ہی شان ہے کہ اللہ نے ہم کو عطا کیا جو چیز ہم کو عطا کی دوسروں پر اسی چیز کو حرام قرار دیا وہ اتقلن اللہ واخرجهم اللہ نے ہم کو اندر آنے کی اجازت دی دوسروں کو باہر نکال دیا این الذین زعموا یہ علی کا کلام ہے قیامت تک اس طرح سے نقشے کے جیسے پتھر کی لکیر ہے خصوصاً ان دلوں پر جو دل سمجھتے ہیں جو دل سمجھتے ہیں کہ علی کیا کہہ رہے ہیں این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا كذباً وبغياً علينا أن أعطانا الله وحرمهم وأدخلنا الله وأخرجهم اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ان رفعنا الله ووضعهم اللہ نے ہم کو بلندی دی ان کو پست کر دیا ان کو پست کر دیا اور اس کے بعد وہ کہیں گے اب رہ گیا یہ کہ کوئی یہ کہے کہ قبیلے سے تعلق ہے قبیلے سے تعلق ہے آپ نے ارشاد فرمایا درست ہے ان الائمۃ من قریش دیکھیے وہ میری بحث یاد رکھیے درست ہے کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے ولیکن مگر یہ یاد رکھو کہ من ھذا البطن من ھاشم اپنی طرف اشارہ کر کے کہا بطن یہ ہے اس سے امامت آگے بڑھے گی من ھذا البطن من ھاشم من ھذا البطن من ھاشم یہ بطن ہے اپنی طرف اشارہ کیا کہ امامت کے دارا ہم ہیں قریش تو ہے مگر اللہ نے امامت کی امانت کو ہمارے حوالے کیا ہے لیکن من ھذا البطن من ھاشم تب آپ نے دیکھا کہ مسجد کا دروازہ اور ان کے گھر کا دروازہ جب ایک ہو جائے جب ایک ہو جائے تو اس کی رفعت معلوم ہے یحیی بن اکتم نے دربار مامون میں امام رضا سے خواہش کی کہ فرزند رسول آپ سورہ فاطر کی آیت پڑھ رہے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ہم نے کتاب کا وارث کیا ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں سے مصطفیٰ کیا فرزند رسول مصطفیت کو قرآن سے ثابت کیجئے استفاء کو قرآن سے ثابت کیجئے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں استفاء کے ثبوت کے لیے 12 آیتیں آئی ہیں اور اس کے بعد 12 آیتوں کو مسلسل پڑھا جس میں سے آپ نے 8ویں آیت یہ پڑھی 8ویں آیت یہ پڑھی کہ کیسے مصطفیٰ کیا کس طرح سے بزرگی دی ارشاد فرمایا کہ سورہ یونس میں ارشاد ہوا سورہ یونس قرآن مجید کا 10ویں سورہ ہے یہ اس کی آیت ہے آیت کا نشان ہے 87 اچھا اس سلسلے میں ایک بات اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے دو دن پہلے میں نے سورہ قصص سے ایک آیت پڑھی ہے 28ویں سورہ 38ویں آیت وہ آیت بڑی اہم تھی جہاں ارشاد ہوا وہ اقی ہارون سورہ قصص کی آیت تھی وہ اقی ہارون اور میرا بھائی ہارون 38ویں آیت ہے سورہ قصص کی وہ اقی ہارون ہوا افصح منی لسانن وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے وہ اس کی زبان خوب چلتی ہے وہ اچھی طرح سے اپنے مدعائے دلی کو ظاہر کر سکتا ہے وہ فصیح ہے ہوا افصح منی لسانن فرسلہ معیا ردان پروردگار اس میرے بھائی کو جو مجھ سے زیادہ فصیح ہے
मेरा मददगार बना के मेरे साथ भेज, रिदान मददगार, फरसिलु माया रिदान। काला सन शुद्ध अजदो का बे अकी का बे आ, और हम मजबूत करेंगे, हम मजबूत करेंगे सन शुद्ध अजदो का बे अकी का, तेरे भाई की वजह से तेरे बाजू को मजबूत करेंगे। वो नजअल लकुमा सुल्तानन, और तुम दोनों को हम अथॉरिटी देंगे, दोनों को। वो नजअल लकुमा सुल्तानन, तुम दोनों को अथॉरिटी देंगे। वला यसलूना इलैकुमा बिआयातिना, किसी की मजाल नहीं होगी जो तुम तक पहुंच सके हमारे मौजजात की वजह से, तुम सबसे बुलंद रहोगे। व इन्नकुमा व मनित तबाकुमा, और तुम दोनों, और तुम दोनों की पैरवी करने वाले वही गालिब होंगे। ये परसों ये आयत पढ़ी थी मैंने, वो याद रखने के काबिल है। ये सूरह कसस की आयत थे, 28वें सूरह की 38वीं आयत। अब सुनिए इमाम का इस्तदलाल ये है। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि सूरह यूनुस में इरशाद हुआ, वो आई औहैना, बहुत गौर सुनिए, वो औहैना इला मूसा व हारून, हमने वही की मूसा व हारून की तरफ। यानी कई हजार मकामात आपको ऐसे मिलेंगे जहां खत्मी मर्तबत का यह इरशाद कि या अली तेरी मंजिलत मुझसे ऐसी है जैसे हारून को मूसा से थी, इतनी खुलकर वजाहत के साथ सामने आएगी ये हकीकत कि मालूम होता है यह भी एक मौजज़ा पैगंबर है। तो वाओहैना इला मूसा व हारून, हमने वही की मूसा व हारून की तरफ। अंतबव्वा लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूता, तुम दोनों जाओ और अपनी कौम के लिए तुम दोनों घर बनाओ मिस्र में। यानी अभी दरिया से पार होके निकले हैं और फिरौन के लश्कर को नजर दरिया किया है, वो गर्क हो चुका है। इरशाद हुआ कि तुम दोनों अपनी कौम के लिए घर बनाओ। वजअलू बुयूतकुम क़िबला, और तुम्हारे घरों को क़िबला करार दो। मूसा और हारून का घर उनकी कौम के लिए क़िबला है। जब इमाम ने इस आयत को पढ़ा, उलमाए इस्लाम ने कहा फर्जंदे रसूल ये तफसीर तो खास आपके घर ही के लिए है, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। इरशाद फरमाया कि कुरान की तफसीर कभी कभी हम अहादीस रसूल से करते हैं। रसूल ने यह फरमाया कि अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा, तो जहां जहां हम देखते जाते हैं कि कहां कहां हारून और मूसा को मिला के हुक्म दिया है, तो इस आयत की तफसीर थी कि पैगंबर ने सबके दरवाजे बंद कर दिए और अली के दरवाजे को खुला रखा, यह बतलाने के लिए कि यही दो घर हैं जो उम्मत के लिए किबला बनेंगे। ये अजीब आयत है, सूरह यूनुस की आयत है कि वाओहैना इला मूसा व हारून, हमने वही की मूसा की तरफ और हारून की तरफ। अंतबव्वा लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूता, तुम दोनों अपनी कौम के लिए मिस्र में घर बनाओ और अपने घरों को उनके लिए क़िबला करार दो। तो यहाँ घर इनका क़िबले आलम है। तो बाप ने देखा आगाज भी क़िबला, अंजाम भी क़िबला। इससे बढ़ के कोई और रफ़त है? इससे बढ़ के कोई और बुजुर्गी है? इससे बढ़कर कोई और उलू है? विलादत अल्लाह का घर, शहादत अल्लाह का घर, जब तक रहे अल्लाह ही के घर से दरवाजा मिला रहा। तो इनको इतनी कुर्बत है इस घर से, इतनी कुर्बत है इस घर से, ये मुहाफिज हैं इस घर के। अब एक मुस्तकिल मसला है, वो जाहिर है कि ये वक्त नहीं है कि मैंने कभी अर्ज किया था और मैं शायद हमेशा कहता भी रहूँगा, तौहीद, अदल, इस्मत नबुव्वत, क़यामत,
क़ज़ा व क़दर, क़ुरान, ये वो मसाइल हैं कि जिन मसाइल पर सिवा आले मोहम्मद के किसी ने गुफ्तगू नहीं की। याद रखेंगे आप, किसी ने क़ज़ा व क़दर पर किसी ने गुफ्तगू नहीं की, अदल इलाही पर किसी ने गुफ्तगू नहीं की। ये आज जो ठोकरें खा रहे हैं वो इसीलिए ठोकरें खा रहे हैं कि इन्हीं के घर को छोड़ रखा। वो जिसका दरवाज़ा खुदा के घर में खुलता है उन्हीं को छोड़ रखा है। देखा आपने, यानी पैगंबर इस्लाम के अहादीस को देखिए, तुम्हारा दरवाजा यहाँ खुला रहे, ये अल्लाह का घर है, और उसके बाद कहा अना दारुल हिक्मा वो अलीयुन बाबहा, मैं हिकमत का मकान हूँ, अली उसका दरवाजा है, अना मदीनतुल इल्म वो अलीयुन बाबहा, मैं शहर इल्म अली दरवाज़ा है। तो ये दरवाज़ा मानवी दरवाज़ा है, कोई वाकई शहर नहीं है, फसील नहीं है। दुनिया ने समझा वाकई शहर होगा तो छत भी और फिर खिड़कियाँ भी और फिर दीवारें भी, उसका फर्श भी। तो देखा आपने, जब मानवियत से इंसान हट के, मानवियत से हट के लफ्जों में आके उलझ जाता है तो कहाँ कहाँ ठोकरें खाता है। इल्म के शहर को छत से क्या ताल्लुक है, इल्म के शहर को खिड़कियों से क्या ताल्लुक है। जाहिर में अगर खिड़की का तसव्वुर रहा और रहना चाहिए, इसलिए कि जब ये हुक्म दिया कि सब अपने अपने दरवाजों को बंद करो तो लोगों ने कहा एक मारूजा का क्या कजरा सी खिड़की रखें, जरा सी खिड़की रखे आपको देखने के लिए, शायद में उसकी इजाजत भी अल्लाह ने नहीं दी है, वो खिड़की भी बंद की जाए दरवाजा भी बंद की जाए। तो इतनी कुर्बत तामा जो हासिल है कुर्बा को, वही मंजिल है कि जहाँ इंसान इनको मकाम तकर्रुब कमाल पर पाता है और महसूस करता है कि इन्होंने इस कुर्ब को हासिल किया है, हासिल किया है और साबित किया है कि ये फकत फजल अता नहीं है, ये फकत फजल अता नहीं है बल्कि ये अदल व इंसाफ भी है। हर एक को नहीं देता, हर एक को दे तो फजल है, ये फजीलत हर एक को अगर दे दे तो रहमत ही रहमत है, करामत ही करामत है, मगर हर एक को कैसे देगा, जुल्म हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। वज़ु शय अला गैर महल ही, कि उसमें इस्तेताअत नहीं है, आप उसको दिए जा रहे हैं, उसमें काबिलियत नहीं है, उसको दिए जा रहे हैं, वो मर जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अकबर अलाहाबादी ने मालूम नहीं किस रंग में कह दिया, का हजरत मंसूर अना भी कह रहे हैं हक के साथ, हजरत मंसूर अना भी कह रहे हैं हक के साथ, दार तक तकलीफ फरमाएं जब इतना होश है। अब आप जब अना के बाद हक भी कह रहे हैं तो अना एक है हक एक है, आपने अना और हक को मिलाया कैसे, हक हक कहते हैं या फकत अना अना कहते हैं। हजरत मंसूर अना भी कह रहे हैं हक के साथ, दार तक तकलीफ फरमाए जब इतना होश है, तो बेचारे को दार पे पहुंचा दिया, आपने देखा दार पे पहुंचा दिया, इसलिए कि वो खुद ये नहीं समझ रहा था कि उसकी मंजिल क्या है, उसकी मंजिल क्या है, उसका मकाम क्या है। तो बेसलाहियत अता, बे इस्तेताअत फजल, बगैर सलाहियत बख्शिश इंसान को और तबाह कर देती है।
इंसान को और तबाह कर देती है। अब वो दे तो क्यों दे, वो जालिम तो नहीं है, मगर खुद बंदा अगर कोई जगह को छीन ले कि ये तो मेरी जगह है, तो जाहिर है कि वो अपने नतीजे पे पहुंचेगा, वो अपनी सजा को भुगतेगा, वो अपने अंजाम को देखेगा और आखिर में इसी माजरत के साथ मर जाएगा, काश मैं वो काम न करता। तो इस तरह से सलाहियतों के साथ अता है, यह सच है, यह सच है कि इंतकाब उसी का है, इंतकाब उसी का है, मगर जिस नफ्स को चुना यह समझ के चुना कि अगर इसको बद्र में भेजें, उहद में भेजें, कैबर में भेजें, कंदक में भेजें, हुनैन में भेजें, तो वो अपने मालिक की रुसवाई का बाइस नहीं बनेगा। ये समझ के चुनो कि अगर इसको बद्र में भेजें, उहद में भेजें, कैबर में भेजें, खंदक में भेजें, हुनैन में भेजें, तो वो अपने मालिक की रुसवाई का बाइस नहीं बनेगा। बेशर्त हयात, बेशर्त सेहत, अगर मैं इस काबिल रहूं इंशाअल्लाह, तो कल जाहिर है कि हम हज़्ब आदत बद्र पे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि बड़े दूरस नतायज हैं इस लड़ाई के। तारीख के धारे पर जगह जगह बद्र ने आलम इस्लाम को मुतासिर किया है, जगह जगह बद्र ने आलम इस्लाम को मुतासिर किया है और बड़ी दूर तक इसका असर गया है, और बहुत ही तारीख पर असरंदाज है ये लड़ाई। कल जाहिर है हर जगह तस्किरा होगा, हम भी जिक्र करेंगे, हम भी मुसलमान हैं, हमको भी खुशी हुई है इस फतह की, और फिर खुसूसन ऐसे मौके पे जबकि दुश्मनों ने हमारी ममलिकत को हर तरफ से घेर रखा है, कुछ बड़ी ताकतें दुश्मनों की मदद करना चाहती हैं, तो ऐसे मौकों पर बद्र याद ना आए तो फिर क्या याद। तो बद्र को याद करना जरूरी है, सब मुसलमानों को याद करना है, बशर्ते के कोई उस मंजिल पर आ जाए, उस मंजिल पर आ जाए जहां मैं कुछ दिनों पहले अर्ज कर रहा था कि फौजें नहीं लड़ती, इंसान तन्हा लड़ता है, अकेला लड़ता है, एक सिपाही की जर्ब करती है कारे सिपाह, अशहदु अन ला इलाहा। तो एक सिपाही की जर्ब चाहिए, वो कहीं हो। तो अब जाहिर है कि 17 की रात है, कल 17 रमजान है, देखते देखते ये दिन गुजर गए, कुछ दिन बाकी हैं, जो भी खिदमत हो सकेगी बहर सूरत कोशिश इस उम्र की है कि ये वक्त अच्छा गुजर जाए। तो ये वो घराना है कि जिनकी सलाहियतों को टटोला जा चुका था और उनको नेमतों से नवाजा गया था, और ये कहा गया था कि नेमतें मबजूल करते हैं सलाहियतों को देखकर, अब घर इनका घर, रास्ता इनका रास्ता,
صراط الذین انعمت علیہ. تو یہی میں اس دن کہہ رہا تھا کہ ان کے گھر کے راستے کا نام اسلام. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صراط الذین انعمت علیہم. یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، ان کا راستہ، ان کے گھر کا راستہ، جن پر نعمتیں نازل ہوئیں ان کا راستہ. بہر صورت ان ہستیوں کا تذکرہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں ہمیشہ ہمارے دلوں کو منور کرتا رہے گا. آج بے اختیار دل یہ چاہتا ہے کہ اختتام کلام پر ان صاحبان نعمت کا تذکرہ ہو کہ جنہوں نے ہم کو یوں تو ہزاروں نعمتیں دیں، لاکھوں نعمتیں دیں. سب سے پہلے نعمت طیب ولادت دی، نعمت طہارت ولادت دی، اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد نعمتیں ہی نعمتیں. لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کی منزلت سے ڈر جائے، اپنے مقام سے ڈر جائے، ڈر جائے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، جنت عقلی ہے اور وہ جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. تو اس طرح سے ہم ان نعمتوں کا کیا ذکر کریں، مگر ان نعمتوں میں ایک نعمت ہے جس کا ارسطو نے تذکرہ کیا بڑے عجیب انداز میں. اور میں نے آج سے بہت دن پہلے قلعدین ہال کی پہلی محرم کی تقریر ہی میں نے یہ تذکرہ کر دیا کہ ارسطو کہتا ہے غم بھی ایک نعمت. ارسطو کا خیال یہ ہے غم ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو وہ کہتا ہے کیتھارسس، سی اے ٹی ایچ اے آر ایس آئی ایس، کیتھارسس. کیتھارسس یونانی زبان کا لفظ ہے کہ جس کے معنی ہیں حقیقت میں میڈیسن میں معدے کا مسلح، مزاج کا مسلح، یعنی جو طبیعت کی اصلاح کرے. تو کہتا ہے غم کیتھارسس ہے، مسلح جسم ہے غم. یہ نعمت اسی گھرانے نے دی، کسی اور سے نعمت نہیں ملی، کسی اور سے یہ نعمت نہیں ملی. دنیا چیختی رہ گئی، چیختی رہ گئی، ارے دو مہینے آٹھ دن یہ لوگ روتے ہیں، تم ایک دن تو رو. میں اس محفل میں تھا جہاں یہ آواز بلند ہو رہی تھی، ایک دن تو تذکرہ ہم کریں گے رو. مگر وہ نعمت ہے، وہ ہرکس و ناکس کو نہیں دیتے، ہرکس و ناکس کو نہیں دیتے. یہ اس کا عدل ہے، جس کی صلاحیتوں کو دیکھتا ہے، جس کی استطاعت کو دیکھتا ہے، اس کو یہ نعمت دیتا ہے. وہ نعمت بانٹتے ہیں، بانٹتے ہیں یہ کہہ کے غم ہمارا ہے. مگر دوست وہ ہے جو ہمارے غم میں مغموم. فل یحزن لحزننا، فل یفرح لفرحنا، خوش ہو ہماری خوشی میں، غمگین ہو ہمارے غم میں خوشی، ان کی خوشی غم، ان کا غم. تو ایک کیتھارسس ہے غم، مصلح انسان ہے، مصلح قلب ہے، مصلح حیات ہے. مادہ فاسدہ جسم و روح کو یہ غم نکال کے پھینک دیتا ہے. اصل ترجمہ کیتھارسس کا یہ ہے. تو غم دیا، اور ایسا غم دیا کہ اگر تم کو غم دنیا رونے پر آمادہ کرے تو نہ رونا، مجھے یاد کر لینا، مجھے یاد کر. اگر تم کو زحمت دنیا میں رونا آئے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، مجھے یاد کرنا. تو کیا غم دیا، کہاں سے کہاں تک سلسلہ، کہ جس سے حیرت سی ہوتی ہے سوچتے ہوئے کہ اگر کسی ایک واقعے کو کہیں سے اٹھایا جائے، کہیں سے اٹھایا جائے، کہ اس سے بڑھ کر کوئی صورت غم نہیں ہے. میرا دل کتنا چاہتا ہے
کہ میں بعض حقائق کو آپ کے سامنے رکھوں, مگر معلوم نہیں کیا بات ہے, وقت کا تقاضا ہے کہ نہیں, مگر آپ سوچتے تو ہوں گے کہ ظلم تو سب پہ ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں, اب بھی ہو رہے ہیں. کبھی موقع ملا تنہائی میں مقابلہ کرنے کا, کبھی موقع ملا مقابلہ کرنے کا, کہ کیا بات ہے جو کربلا یاد ہے, اور دنیا ہر منزل پہ یہ کہے جا رہی ہے یہ کربلا کیا بات ہے کہ کربلا کیوں یاد ہے, کیا فرق ہے. اتنا ستایا, اتنی مصیبتیں ڈالیں, آج بھی یہ مصیبتوں سے ہم دو چار ہیں, جو آتا ہے کچھ ایسے ہی واقعات بیان کرتا ہے, ان سب کے باوجود ذرا دیکھو تو, سوچو تو کہ فرق کیا ہے. اچھا ہے آپ کچھ کام لیں, شاید آنے والی تقریروں میں پھر یہ بحث چھڑے تو وہاں گفتگو ہو. تو اتنا غم ملا کہ کہیں کسی مقام پر اگر آدمی ایسا محسوس کرے کہ بھائی تذکرہ کرتے کرتے تھک گئے, تو میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ یہ تصور ہی غلط ہے. تھکنے کا تو نام ہی نہیں, تھکنے کا نام نہیں ہے. دیکھیے غم کی صورت یہ ہے کہ خود غم تھے, مجسم غم تھے, غم کو بانٹا, پھر گھر والوں کو دیا اور کہا اب یہ غم تمہارے حوالے. اور ایک بچی عصر عاشور خیمے کے دروازے پر انتظار کرتے کھڑی ہو گئی کہ بابا آئیں گے, وہ بابا نہیں آئے, اور وہ انتظار ہوتا ہی رہا. کبھی خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی, کبھی قید خانے کے دروازے پہ کھڑی ہونے لگی. ایک دن تو خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی, اب مہینوں قید خانے کے دروازے پہ کھڑی ہوتی. آؤ بابا, آؤ چچا. شام کی عورتیں اطراف جمع ہوتی, بی بی کچھ اپنے واقعات بیان کیجئے, بی بی مدینے کا حال بیان کیجئے, بی بی آپ کے بابا آپ کو کتنا چاہتے تھے, بی بی آپ کے بابا آپ کو کیا کھلاتے تھے, بی بی آپ کے بابا سینے پر کس طرح سے سلاتے تھے. بچی باتیں کرتی, شام کی عورتیں روتی, سارا دن گزر جاتا, غم پھیلتا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ اراکین مملکت شام نے جا کے اپنے امیر سے کہا, امیر کیا غضب ہے, یہ کس گھرانے کے قیدی ہیں, آج مہینوں ہو گئے ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے, ہماری عورتوں نے پکوان چھوڑ دیا ہے, صبح ہوتی ہے تو قید خانے کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی ہے, اور یہ کسی بچی سے باتیں کرنے لگتی ہیں, اے امیر اب تو رہا کر دے, اب تو آزاد کر دے. اور اسی طرح سے مسلسل انہوں نے خواہشیں کی. ایک دن پھر صبح ہوئی اور پھر عورتیں جمع ہوئی اور جا کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئیں. آج وہ دروازہ سنسان تھا, آج وہ دروازہ اداس تھا, آج دروازے پر کوئی نہیں آیا. تو بڑے انتظار کے بعد شام کی عورتوں نے پکارنا شروع کیا, بی بی باہر آؤ, بی بی باہر آؤ. تو زندان بان نے کہا, ارے کس کو پکار رہی ہو, جس بچی کو یاد کر رہی ہو وہ رات کو مر گئی.
الہی و سیدی و مولایا و مقدمی و داندہ واسطہ محمد و آل محمد